नाम मोहन कुमार जायसवाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय जीताकांडी से हूँ। आज हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो ये कहती है कि वेरिफिकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब अगर हम कोई कर्व किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के बराबर होता है, ये हम साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट का इक्वेशन हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सर्किल का सेंटर है 0, 0 और रेडियस है 5। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इस सर्किल के किसी पॉइंट सपोज 4, 3 पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वन 2, 3, 4 सपोज दिस पॉइंट इज 4, 3। इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर्स। तो इस टेंजेंट की वैल्यू अगर हम इसे पहले डिफरेंशिएट करके देखें, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। dy by dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई एट पॉइंट 4, 3। दिस वैल्यू विल कम माइनस 4/3। अब अगर इसे हम वेरीफाई करना चाहें तो हमें इसके लिए जो स्लोप है हमारे में इसकी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। यूजली हम इसे सिंपल प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि 125 के राउंड देखने पर लगता है, बट एग्जैक्टली ये वैल्यू आती है। ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ 4, 3 पर और थीटा की वैल्यू जस्ट मैं आपको पहले दिखा दूँ थीटा की वैल्यू आएगी। इस थीटा की वैल्यू जब हम टैन कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो -1.33 आती है, 126.9 डिग्री। नॉर्मल प्रोटेक्टर से नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि 125 देगा 130 देगा, बट विद द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू का 126.9। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सर्किल का इक्वेशन अगर हमारे पास जैसा हमने पहले कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, हमने इस पर एक पॉइंट लिया 4, 3 और जब इसे डेरिवेट करके जैसा हमने आपको करके दिखाया तो हमें यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। सिमिलरली tan 126.9 चूंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है सेकंड क्वाड्रेंट पर tan की वैल्यू नेगेटिव, और वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर्स कि ये वैल्यू जैसे आप 4/3 को सिंपल डिवाइड करेंगे -4/3 इट विल कम -1.33 एंड सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ tan कैलकुलेटर इट विल कम -1.33। मीन्स इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उसका स्लोप उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल है, ये इस बात से साबित होता है। हम 4, 3 करके दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं इस साइड पर जैसा इस फिगर में हमने दिखाया हुआ है। ये इस बार हम -4, 3 इस तरफ पॉइंट ले सकते हैं और सिमिलर वैल्यूज अगर हम चेंज करते हैं सिमिलर वैल्यूज रखते हैं इस पर तो इस बार हमें टेंजेंट में करके दिखाता हूँ जस्ट। तो हमें टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी सिमिलर dy by dx की वैल्यू एट 4, 3
it will come 4 upon 3, means 1.33. This time the value for tan becomes 53.2. मैंने पहले बताया कि सिंपल प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, हमें इसके लिए जियोजेब्रा या ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद लेनी ही होगी, तभी हम इस बात को प्रूफ कर पाएंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सिर्फ ये कि हम डिफरेंट कर्व्स ले करके उन पर टेंजेंट ड्रॉ करके इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी कर्व में अगर हम किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें तो वो उस कर्व में टेंजेंट के स्लोप के बराबर है। थैंक यू।